देखिए जो ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर जो पास्को लगा है उसमें जिस लड़की का नाम लिया जा रहा है उसका चाचा का बयान अभी आया है कि वो लड़की जो है तो नाबालिग नहीं है, 20 साल की है। तो ये इस पूरे मामले के पीछे छानबीन चल रही है, लेकिन इसमें सिर्फ राजनीति है। और वहां जो है 2024 चुनाव प्रभावित करने का जो है वहां जो खाप पंचायतें जुट रही हैं, टिकायत इत्यादि जुट रहे हैं। आखिर हम ये पूछना चाहते हैं कि जितने लोग वहां इकट्ठा हो रहे हैं चंद्रशेखर रावण इत्यादि, क्या इन लोगों को उस नाबालिग दलित बेटी साक्षी की जो निर्मम हत्या हुई है इस पर इनका जो है तो कोई संवेदना नहीं आई, इनका कोई ट्वीट नहीं आया, क्योंकि वो मुस्लिम समुदाय से है, इनको जो है सिर्फ वोट की राजनीति करना है। इसलिए देखिए अपराध करने वाला चाहे कोई भी हो, किसी समुदाय से हो, किसी धर्म से हो, अपराधी अपराधी होता है, लेकिन जो राजनीतिक भेड़िए हैं ना ये सिर्फ अपनी सत्ता के लिए देखते हैं कि इनकी सत्ता के लिए वोट न प्रभावित होने पाए, चाहे जो है बेटियां बलि चढ़ जाएं। ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर जो आरोप लगे हैं उसकी भाई मैं तो कुछ नहीं कह सकता हूं, जांच चल रही है, जांच में जो आएगा, उन्होंने तो कह दिया है कि हर तरह की जांच के लिए मैं तैयार हूं, और उन्होंने स्वयं बयान दिया है कि अगर मैं दोषी पाया जाऊं किसी भी जांच में तो मुझे फांसी पर टांग दो। तो मेरा कहना है कि निर्दोष को सजा नहीं होना चाहिए, और अगर कोई दोषी है तो चाहे वो कोई भी हो बचना नहीं चाहिए। वीके न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सच का सारथी।